अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कंप्लेंट रहती है बहुत लोगों की कि उनके डोसे बाज़ार जैसे नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते, उनका कलर अच्छा नहीं आता और वो दिखने में बाज़ार जैसे नहीं दिखते। तो ये देखिए, ये मैंने डोसा अपने घर में बनाया है, लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार के जैसा। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ डोसा, बने रहिए मेरे वीडियो पर। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को फैलाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डोसे का बैटर, इडली डोसे का बैटर है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है इडली की रेसिपी में, उसी तरीके से आपको ये बैटर बनाना है। तो उस तरीके से आप बैटर बना के तैयार रख लें। तो अच्छे क्रिस्पी डोसे बनाने के लिए, बाज़ार के जैसे डोसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली ट्रिक, हमें पैन को अच्छा गर्म करना है। आप हाथ को ऐसा ऊपर रख के देखें, आपको महसूस होगा कि अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इस पर डालना है थोड़ा सा हमें ऑयल। तो हम इस पर ऑयल डाल देते हैं, बस इतना ही। अब इस ऑयल को हमें हर जगह फैला लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर डालना है ऑयल, हमारा गर्म हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे पानी के छींटे। अब पानी के छींटे डाल के हमें इसे ठंडा करना है तवे को। तवा हमारा ठंडा हो गया, अब हम सारा पानी को क्या करेंगे, एक आप किसी कपड़े के हेल्प से, साफ कपड़े के हेल्प से या टिश्यू के हेल्प से इसे पानी को पूरा साफ़ कर लें। गैस हमारा स्लो है। अब हम इस पे डोसे के बैटर को पोर करेंगे। एक लैडर भर के हमने इसमें बैटर लिया है और अब हम इसे सेंटर से दबाते हुए बाहर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, सेंटर से दबाते हुए हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे। बहुत ही आराम के साथ आपको ये करना है, बिल्कुल प्रेशर ज़्यादा ना डालें। प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो डोसे निकल जाएंगे, चम्मच के साथ लग के बैटर पूरा निकल आएगा। ये मैंने पूरा फैला लिया है। अब स्टेज पे हमें गैस को करना है फास्ट। ये मैंने गैस को तेज़ कर दिया है। तो यहाँ ख़ास बात ध्यान रखने वाली ये है फ्रेंड्स, कि हमें जो ये बैटर चाहिए डोसे का, ये हमें पतला नहीं चाहिए, हमें इसे पतला नहीं करना है। ये देखिए कैसा गिर रहा है, दिख रहा है आपको ऐसा। अगर ये पतला रहेगा तो जो डोसा है वो सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्प नहीं होंगे। तो इसे पतला बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब ये डोसे का कलर चेंज होने, हमने फास्ट कर दिया है गैस को, अब ये आपको यहाँ से दिखने लगेगा कि ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये देखिए मुझे नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के यहाँ पे ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब स्टेज पे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, हमें अच्छे से ऑयल ऐड करना है और इस ऑयल को पूरा हमें इस पर स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए हमारे डोसे ब्राउन हो गए हैं, अब हमें इसे निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रिस्पी निकले हैं, कलर देखिए इनका कितना अच्छा है, लग रहा है ना बिल्कुल होटल वाला। तो ऐसे ही आपको ये सारी ट्रिक्स फॉलो करनी है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। हम पानी के छींटे मार के ठंडा करते हैं, गैस हम स्लो कर देंगे, टिश्यू पेपर से साफ करेंगे और फिर इस पर हम ये बैटर पोर करेंगे और इसे धीमे हाथों से फैलाएंगे।
पे हम ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक और डोसा बना के तैयार किया। देखिए लग रहा है ना, ये एकदम क्रंची और यमी। आप इस तरह से बनाएं, बस इस बात का ख्याल रखें कि तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन आप जब उस पर बैटर डालें तो आप उसे पानी से ठंडा करके पोंछ लें। वो ठंडा होना चाहिए जिससे कि बैटर जो है वो तवे पे चिपक जाए। अगर वो ज़्यादा गर्म रहेगा, ठंडा नहीं होगा, तो बैटर उस पर चिपकेगा नहीं, और अगर बैटर चिपकेगा नहीं तो ये कलर आना बहुत मुश्किल है, ये कलर नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल रखें, और फिर उसके बाद वो तेल डालें। जैसे ही हल्का ब्राउन कलर आपको नीचे दिखने लगे, आप उस पर तेल स्प्रेड करें अच्छे से। दूसरी चीज़ कि बैटर जो है वो पतला नहीं होना चाहिए। बैटर जैसा जैसी कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताई, वही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आपका डोसा बिल्कुल बाजार जैसा उतरेगा। तो इस डोसे को मेरे तरीके से बनाइए, हेरा के तरीके से बनाइए। बाजार वाले डोसे आपके घर पे बनके तैयार होंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।